सुप्रभात दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे से हैं। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30। तो आप देख सकते हैं मौसम बढ़िया मौसम हो रहा है, हल्की हल्की धूप है, हल्की नहीं बढ़िया धूप है। और जो है हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। अभी जो है हितांशी की मम्मी और दादी जाने वाले हैं खेत में, ये लोग वहाँ पे काटेंगे घास। तो तब तक मैं हितांशी को देखूंगा। इससे आगे का जो ब्लॉग आएगा वो हितांशी की मम्मी बनाएगी। तो ये हैंड ओवर मैं करता हूँ हितांशी की मम्मी को। और जो है घर में थोड़े काम भी हैं अभी अभी जो है हितांशी सो चुकी है। तो अब जो मेरा काम होगा पानी लाना है, और जो है दिन में लंच में रेडी करूंगा। जब तक सोई है तब तक मुझे थोड़ा जो छोटी मंडी है वहां जाके आना है, थोड़ी सब्जी खत्म है और जो है थोड़ा और सामान लेके आना है। मतलब मैं 5 से 10 मिनट के अंदर में आ जाऊंगा, लेकिन वहां का ब्लॉग मैं बनाऊंगा नहीं, क्योंकि ये अभी हितांशी की मम्मी को मैं दे दूंगा। तो इससे आगे का ब्लॉग ये बनाएगी। मैं दे देता हूँ इसको। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घास काटने के लिए, मैं और सासू माँ। तो मैं ये लेके जा रही हूँ पानी का जरकिन। तो इसको मैं पहले भर के लाती हूँ, ये अभी खाली है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं धारे पे, तो भर लेती हूँ जरकिन। अब चलते हैं खेत में। तो ये देखिए आधे रास्ते पे हम पहुंच चुके हैं, और ये भटका खेत पहले भी मैंने आपको दिखाए थे। और ये है उरद, कुमाऊनी में बोलते हैं मांस। और ये मडवा भी सब लोग तोड़ चुके हैं। और रास्ता तो बहुत खराब हुआ है ये। और ये देखिए भिंडी, कितनी लंबी भिंडी लगी हुई है। ये पेड़ भी इतने बड़े हुए हैं भिंडी के। ये है हरी उरद, इसके बहुत लंबे वो होते हैं, बेल होते हैं। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक के। और ये देखिए हम भी ऐसे ही घास काटेंगे, उसके बाद ऐसे सुखाने डाल देंगे, उसके बाद बांधेंगे, उसके बाद बनाएंगे लूटा। और ये है हमारा हल्दी का खेत। ये देखिए रास्ता तो बहुत ही खराब हो रहा है ये। और दिन भर में हमें इतना बड़ा पानी का गैलन चाहिए, ये शाम तक पूरा खत्म हो जाता है पानी पीते पीते। ये गैलन से भी नहीं होता है। हाँ, कभी ये भी कम पड़ जाता है, कभी कभी लोग भी मांग लेते हैं बड़ा बर्तन है करके पानी। ये देखिए यहाँ पे भी बना चुके हैं, यहाँ पे भी बनाया किसी ने एक लूटा, और यहाँ पे लूटा बनाने की तैयारी हो रही है। ये नीचे ये झाड़ियाँ इसलिए डालते हैं ना क्योंकि घास खराब नहीं होगी करके, नहीं तो नीचे से दीमक लग जाता है ना। ये देखिए अभी तो बहुत घास काटना बाकी है ये, और किसी ने तो धूप में डाला है, और किसी ने ये देखिए लूटे भी बना दिए हैं। और सामने से देखिए आप हिमालय। और अभी ये ऊपर वाला खेत भी हमारा ही है, और ये वाला खेत भी, और ये नीचे ये भी हमारा ही है। और सासू माँ कुछ बोलेंगे आपको। अब पहुंच गए हम खेत में, अब घास काटेंगे, अब यहाँ लग जाएगा एक हफ्ता। क्या करें फिर, धूप में ये घास काटना ही पड़ेगा। दूध चाहिए, दही चाहिए, घी चाहिए, मट्ठा चाहिए, सब कुछ चाहिए। थोड़ा थोड़ा चाहने के लिए एक गाय बांधी है, एक लोटी में देती है दूध। ये देखिए ये आधा बचा था, और आधा हम इसको काट चुके हैं। अब चलते हैं ऊपर वाले खेत में, अभी हमने ये वाला खेत काटना है, और उसके बाद ये वाला खेत काटना है। ये अब बैठ जाते हैं थोड़ी देर छाया में। ये पत्थर है दराती में धार लगाने वाला, ये दराती की धार तेज करता है। ये है गुड़, और हम पियेंगे अभी गुड़ वाली चाय। मिश्री भी है, गुड़ भी है। तो ये लेके जा रही हूँ मैं घास, और अभी घर जाके बहुत काम करना है, उसके बाद आऊंगी मैं। भात आप के ना लाई आओ मेरे, और सब्जी हो बस, भात आप के ना लाई। ओह, और अभी मैं पहुंची हूँ आधे रास्ते पे, और ये देखिए पसीने से। और यहाँ पे रखा मैंने घास का गट्ठा, क्योंकि थकान भी होगी थी ना। तो अब चलती हूँ घर, उसके बाद दिखाऊंगी आपको।
तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर में और गाय को भी मैंने घास डाल लिया है। और पहले तो मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, कपड़े चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं। और उसके बाद खाना तो इतांसी के पापा बना चुके होंगे, तो उसके बाद निकालूंगी गाय का दूध। तो मिलते हैं आपको बाद में। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 1:30 बज चुके हैं, तो इतांसी की मम्मी आ चुकी है और इतांसी भी जस्ट अभी उठी है। तो लंच मैंने रेडी कर दिया था, लंच रेडी हो चुका है, मतलब अब खाते हैं हम लोग खाना। हितांशी अभी पी रही है पानी, ये पीती है पानी ऐसे। तो ये दाल है, चने और मलके की दाल है, ठीक है, ये खाना और चार है। तो ये लोग भी खा रहे हैं खाना, हितांशी का ये है। हितांशी ले, खाते रह बेटा, नहीं खाई, खाते रह बेटा, तो खा लेते मेरा खाना दोस्तों। तो घर का सारा काम हो चुका है, अब मैं जाती हूँ फिर से खेत में। मैं दिन में इसलिए आती हूँ क्योंकि पथरा भी अभी छोटा है और मतलब इसको भी भूख लग जाती है, इतांसी को भी भूख लग जाती है, तो गाय का दूध निकालने के लिए मैं दिन में आती हूँ और खाना खाती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ। तो अब जाती हूँ मैं, तो मिलूंगी आपको शाम के टाइम पे। तो अभी इतांसी मेरे साथ रहेगी, अब तो हम लोग चलते हैं ऊपर। अब ये लोग तो आएंगे शाम को सीधे, मारो लोग काटेगा। हाथ में लगाओ, हाथ में लगाओ, अच्छी अच्छी गंदा कीटाणु लगते हो उस पे, हाथ में काटता है, हाथ में लगा, हाथ में लगा बेटा। तो हमारे सब्सक्राइबर आए हुए हैं आज, ये पार्थ, पार्थ मिलने के लिए आया ना बेटा, वो देख दद्दा, दद्दा है ना, अरे ये तो परेशान कर ले मम्मी का दिन दे, और ठीक ठाक से गाय का बछड़ा अच्छा लगा, अभी तो बांध दिया हमने अंदर, देखा है ना, अच्छा और क्या अच्छा लगता है फिर, ब्लॉग पूरा अच्छा लगता है। अच्छा कौन सी क्लास में अभी, फर्स्ट में, अच्छा वेरी गुड यार, कौन से स्कूल में, हाँ वेरी गुड, इधर है, लाइट ऑन करता हूँ, ये अच्छा लगता है। अच्छा दादा क्या कर रहा है, दादा खेल कर रहा है ना, जी भर के देख लिया, गोलू पोलू है इसका नाम, क्या है, गोलू पोलू, इसकी माँ का नाम लाली, बताने जा रहे हो आप, गाँव इनको और बढ़िया लगना, गाँव गाँव में बढ़िया, हमारे त्रिलोक सिंह जी उर्फ गुड्डू भाई, इनकी गाड़ियाँ चलती है पूरे उत्तराखंड में, गुड्डू भाई नाम से, सपोर्ट करिए, जहाँ भी आपको जाना है ऑल इंडिया में आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। पार्थ जो है इनका बेटा, पार्थ ने बहुत जीत की हमसे मिलने की, लेकिन अभी सिर्फ इतांसी से मिल पाए पार्थ और मुझसे मिल पाया, इतांसी से हाथ मिला दे दद्दा से, फिर दद्दा से हाथ मिला, दद्दा पा कर रहा है ना, दद्दा अम्मा कर दिया पा, कर दिया ना, ठीक है फिर पार्थ, बाय बाय, टाटा फिर मिलते हैं, हाँ ओके। इसकी मम्मी आ चुकी है घास से, गाँव हुआ, अच्छा देखो पकड़ के डर मानना था, सब बात बात, ये देखिए रूम की हालत इतांसी ने कैसे कर रखी है, ये देखिए। तो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लगा, बहुत खुशी हुई कि वो लोग मिलने के लिए आए, हालांकि वो जो है गुड्डू भाई शटल हैं हल्द्वानी में, लेकिन उनका जो गांव है यही गांव है, हमारा जो गांव है वही गांव उनका भी है, यही बगल में, मतलब यहाँ से 100-200 मीटर उस साइड को जो है इनका घर है। तो जैसे ही ये लोग घर में पहुंचे ना, तो घर में पहुंचते ही मतलब यहीं आए, अंदर भी नहीं गए थे, सीधे यहीं मिलने के लिए आए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो मैं चाहता हूँ ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग भी बनाए रखें। सो के उठे हुए सिर्फ आधा घंटा हुआ था इतांसी को, उसके बाद उसने तमाशा स्टार्ट कर दिया, इधर उधर कपड़े फैला दिए। इसी टाइम पे गुड्डू भाई का आना भी हुआ, ये जो फैला हुआ ना घास, ये गाय ने फैला रखी है घास, ये तो
तो आगे सबसे पहले यही सही करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी टाइम जो है 6 बजने वाले हैं, तो मैं लेके आता हूँ पानी। हितांशी की मम्मी तो आ चुकी है, इसलिए मैं जाता हूँ पानी लेने। हितांशी को हितांशी की मम्मी देखेगी। अभी मम्मी आई नहीं है, मतलब हितांशी की दादी, मतलब 10 से 15 मिनट में, आधे घंटे में पहुँच जाएगी। मतलब थोड़ा ऐसे जल्दी आना होता है ना, थोड़ा दूध दूध निकालना होता है गाय का, इसलिए थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो ये आ चुकी है हितांशी की दादी। हो मसाफ कब पूछा? हाँ यार, और ठीक ठाक कदिल ज्ञान दर्शन या बी कद छुट्टी? अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया भी। तो दोस्तों अब यहीं पे करते हैं ब्लॉग को एंड। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन की घंटी दबाइए, क्योंकि इससे ही आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेंगी। तो अभी रात के बज चुके हैं 9:15, हम लोग खाना खा चुके हैं, अब है सोने की तैयारी। तो हितांशी को आज जो है रात में नहलाया इन्होंने, क्योंकि दिन में टाइम होता नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय बोल दे।